दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम आपके लिए एक ऐसी मूवी लेके आए हैं जिसमें हास्य, डर और रोमांस जैसे तीन अलग अलग इमोशंस को एक साथ ही दर्शाया गया हो, तो आपको कैसा लगेगा? चौंक जाएंगे ना? लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आपकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं कि इस फिल्म में कुछ एडल्ट सीन्स भी हैं। फिल्म ज़ॉम्बीवेयर की शुरुआत में दो दोस्तों को दिखाया जाता है जो कुछ खतरनाक केमिकल्स अपने ट्रक में लाद कर ले जा रहे होते हैं। वे दोनों हंसी मजाक करते हुए जा रहे होते हैं, लेकिन जो लड़का ट्रक चला रहा होता है उसका ध्यान अपने मोबाइल फोन में होता है। इस वजह से एक हिरन उनकी ट्रक से जा टकराता है और एक जहरीली गैस का कंटेनर उनके ट्रक से निकलकर नीचे नदी में जा गिरता है। वे दोनों इस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ जाते हैं। जहरीली गैस से भरा वो कंटेनर नदी में जाकर एक पत्थर से टकरा जाता है और उसमें से गैस लीक होने लग जाती है। वहीं दो ऊद बिलाव, जिन्हें अंग्रेजी में बीवर कहते हैं, अपना पेट पूजन कर रहे होते हैं। अब इस जहरीली गैस का उन पर क्या असर पड़ेगा, ये तो आपको आगे ही पता चलेगा। अगले सीन में तीन लड़की मैरी, जोई और जेन को रोड ट्रिप पर जाते हुए दिखाया जाता है। गाड़ी चला रही मैरी के कजन का एशवुड नामक जगह पर एक घर होता है। वे तीनों वीकेंड मनाने उधर आई होती हैं ताकि वे एक दूसरे के साथ वक्त बिता सके बगैर किसी व्याकुलता के। मैरी उन्हें बोलती है कि इन दो दिनों में ना ही कोई फोन पर चैटिंग करेगा और ना ही कोई अपने बॉयफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जेन का अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड सैम के साथ ब्रेकअप हुआ होता है, इसलिए इस ट्रिप में किसी भी लड़के की आने की इजाजत नहीं थी। दोस्तों, अब मजे की बात तो यह है कि जिस जगह वो जहरीली गैस लीक हुई थी वो और कोई नहीं बल्कि एशवुड ही थी। फिल्म में दिखाया जाता है कि एशवुड में नदी के किनारे एक लड़का मछली पकड़ रहा होता है कि अचानक उसकी फिशिंग रॉड में कुछ फंसता है। वो खींचने की पूरी कोशिश करता है और अपना पूरा जोर लगा देता है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता और तो और उसकी रॉड भी नदी में गिर जाती है। वो थोड़ा हैरान हो जाता है और अपनी रॉड निकालने के लिए पानी में उतरने ही वाला होता है कि अचानक उस नदी में खींचा चला जाता है और कभी बाहर नहीं आ पाता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो तीनों लड़कियां अपने स्थान पर पहुंच चुकी है, जहां मेरी की आंटी मिसेस ग्रेगसन मेरी को पहचान लेती है और उन तीनों को यह साफ कह देती है कि यदि उन्हें किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो वो उन्हें बता सकती है। वो तीनों लड़कियां अब नदी में बनी एक राफ्ट पर धूप सेकने जाती हैं। इन तीनों लड़कियों में से सबसे ज्यादा नॉटी जोई है। वो अपनी बिकिनी का ऊपरी हिस्सा निकाल देती है और टॉपलेस ही पानी में उतर जाती है। राफ्ट पर पहुंचकर जेन कहती है कि उसे कुछ बीवर्स देखने हैं और उसे अपनी राफ्ट की दूसरी तरफ कुछ हलचल दिखती है। वो पानी में उतरकर वहां जाती है, तब मैरी और जोई भी उसके पीछे पीछे तैरकर छोर की दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वो वहां देखते हैं कि हर तरफ हरा हरा सा कुछ पदार्थ पड़ा होता है। दरअसल वो और कुछ नहीं, उस जहरीली गैस का ही अवशेष था। तभी अचानक जेन की नजर वहां खड़े एक भालू पर पड़ जाती है और वो तीनों घबरा जाती हैं। तब उस भालू को एक स्मिथ नाम का आदमी गोली मारकर बेहोश कर देता है। स्मिथ उन तीनों लड़कियों से कहता है कि बीवर्स से संभल कर रहना और वो उन तीनों से अजीब बातें चालू कर देता है। वे तीनों स्मिथ को क्रीप समझकर वहां से चली जाती हैं। अब रात हो जाती है और वो तीनों लड़कियां ट्रूथ एंड डेयर खेल रही होती है कि अचानक मेरी के घर के दरवाजे पर खटखटाने की आवाज आती है। वो आवाज लगातार आती ही रहती है, जिसे सुन मैरी और जेन डर जाती हैं, लेकिन जोई बेबाक होकर दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है। लेकिन बाहर कोई होता ही नहीं है। मैरी और जेन जोई को रोकने के लिए घर से बाहर निकलते हैं और तभी उनका दरवाजा अंदर से बंद हो जाता है और अब जोई का भी कोई अता पता नहीं है। मैरी और जेन जोई को आवाज लगाती हैं, लेकिन जवाब में कुछ नहीं मिलता। वे दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं, लेकिन ये क्या पता चलता है कि उन तीनों के बॉयफ्रेंड बक, सैम और टॉमी ही उनके साथ मजाक कर रहे थे, जिसमें जोई भी शामिल थी। मैरी अपने बॉयफ्रेंड टॉमी और अपनी दोस्त जोई से बेहद गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जोई ने लड़कों को यहां तक पहुंचने में मदद करी थी। लेकिन अब टॉमी और बक, जो कि जोई का बॉयफ्रेंड है, मैरी के घर में ठहरने की इजाजत मांगते हैं, ये कहकर कि उन्होंने 36 घंटों से नहीं किया है, इसलिए उनको अब तड़प मच रही है। इनमें जोई भी लड़कों की बात में सहमति दिखाते हुए ये कहती है कि उसे भी वही करना है। मेरी उनकी एक नहीं सुनती, क्योंकि वो जेन के बारे में सोचती है, जिसका अभी अभी सैम से झगड़ा हुआ होता है। लेकिन आखिर में जेन ही मेरी से कहती है कि इजाजत दे दो मेरी, शायद इसी बहाने मैं अपने झगड़े से दूर ना भाग कर उससे सामना कर पाऊंगी। तब वे तीनों लड़के भी घर में रहने आ जाते हैं और आते ही मेरी और जोई अपने अपने बॉयफ्रेंड के साथ करने लग जाते हैं। वे दोनों कपल अपने अपने कमरे में होते हैं और बाहर हॉल में सैम और जेन बैठे होते हैं।
सैम बात शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन जेन उससे कहती है कि यदि तुम्हें मुझसे बात करनी ही है तो पहले मेरे सवालों का जवाब दो। वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम्हारी किस करते हुए फोटो है? सैम घबरा जाता है और बातें घुमाने लगता है और बातों बातों में उसको किस करना शुरू ही करता है कि जेन उसके प्राइवेट पार्ट पर लात मारकर वहां से चली जाती है। जेन अब बाथरूम में नहाना शुरू ही करने वाला होता है कि अचानक उस बाथरूम में एक ऊद बिलाव यानी बीवर निकल आता है, जो कि अपने स्वभाव से बिल्कुल उल्टा इतना खूंखार दिखता है और जेन पर हमला करता है, जिससे डरकर जेन वहां से चिल्लाते हुए बाहर आती है। उनके सभी दोस्त जेन की तसल्ली के लिए बाथरूम में चेक करने जाते हैं, तब वो बीवर टॉमी पर हमला कर देता है, लेकिन टॉमी एक बैट से उस बीवर को पीट पीट कर मार डालता है और उसका शरीर कूड़े की पन्नी में डालकर बाहर फेंकाता है। अगली सुबह सभी लोग नदी में मौज मस्ती करने जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं, उन्हें दिखता है कि जिस पन्नी में टॉमी ने उस बीवर के शरीर को डालकर बाहर फेंका था, वो पन्नी फटी हुई थी और उसमें वो बीवर मौजूद ही नहीं था। मैरी और जेन के अलावा सब लोग यही बोलते हैं कि किसी जंगली जानवर उस पन्नी को फाड़कर उस बीवर को खा गया होगा। जेन अपने दोस्तों को पानी में जाने से रोकती है, ये कहकर कि कल रात जो हुआ उसके बावजूद भी पानी में उतरना खतरे से खाली नहीं होगा, किंतु कोई नहीं मानता और जेन को छोड़कर बाकी पांचों सदस्य पानी में उतर कर खेल रहे होते हैं। बार बार जेन को आवाज देने पर आखिरकार जेन भी मान ही जाती है और अपने दोस्तों को ज्वाइन करने के लिए पानी में पहला कदम रखती ही है कि उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस होता है। जेन सबको चेतावनी देती है कि वापस आ जाओ इस छोर पर, लेकिन सब उसका मजाक उड़ाते हैं। इतने में ही एक बीवर पानी में से तैर रहे बक का एक पैर काट लेता है और उसके शरीर से ही अलग कर देता है। इस घटना के बाद वे सब बेहद घबरा जाते हैं और जैसे तैसे राफ्ट पर सवार हो जाते हैं, लेकिन उस लड़की की बनी राफ्ट भी उन घातक बीवर्स के आगे कहां टिक पाती, इसलिए वे सभी वापस घर तक तैर के जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि घर तक तैर कर जाना भी काफी जानलेवा हो सकता था, लेकिन सैम जोई के पालतू कुत्ते को नदी में फेंक बीवर्स का ध्यान भटका देती है और वे लोग जल्दी जल्दी तैर कर उस नदी से तो बाहर निकल जाते हैं और घर की ओर दौड़ते हैं। वहीं दूसरी ओर जेन घर में रखे लैंडलाइन फोन से पुलिस की मदद बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ निराशा ही लगती है क्योंकि बीवर्स फोन की वायर ही काट देते हैं। घर में मौजूद जेन पर वही बीवर हमला कर देता है जिसको टॉमी ने एक दिन पहले ही मौत के घाट उतारा था। उस बीवर का शरीर बीच से कटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अच्छी तरह से चल फिर पा रहा था। जेन उस बीवर के सर में चाकू घोंपकर उसकी दोबारा हत्या कर देती है और दरवाजे की ओर भागकर दरवाजे को खोल देती है ताकि उसके दोस्त अंदर आ सके। वे सब अब घर के अंदर आ जाते हैं। उन्हें सोचते सोचते रात हो जाती है, लेकिन कोई रास्ता ही नहीं सूझता है। बक के पैर से खून निकले ही जा रहा है और थोड़ी देर और ऐसा हुआ तो बक की मौत हो जाएगी, इसलिए टॉमी ये प्लान बनाता है कि वो बक को मेरी की गाड़ी में बिठाकर अस्पताल ले जाएगा, जिस पर जोई भी टॉमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे दोनों ऐसा ही करते हैं तथा सैम घर में मेरी और जेन के साथ रुक जाता है। गाड़ी में बैठकर वे दोनों अस्पताल की ओर बढ़ ही रहे होते हैं कि वो देखते हैं कि बीवर्स ने रास्ते में पेड़ गिराकर रास्ता जाम किया हुआ है। तब टॉमी को एक और ट्रक दिखता है जिसमें एक कुल्हाड़ी और बंदूक पड़ी होती है। टॉमी जोई से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठो और बक को लेकर वापस मेरी के घर जाओ, तब तक मैं पैदल चलकर मदद ढूंढने की कोशिश करूंगा। जोई की इसमें रजामंदी तो नहीं होती, लेकिन उसके पास और कोई चारा भी नहीं बचता। जैसे ही वो गाड़ी में बैठती है, उसे टॉमी के तेज चिल्लाने की आवाज आती है। वो गाड़ी से बाहर निकलकर देखती है तो उसे दिखता है कि टॉमी को बीवर्स ने काट लिया है और टॉमी की मौत हो गई है। जोई अपनी गाड़ी तक वापस जाने का प्रयास करती है, किंतु वो बीवर्स के द्वारा घेरी जा चुकी है। इतने में स्मिथ वहां आकर जोई की जान बचा लेता है और वो ट्रक भी स्मिथ का ही होता है जिसमें बैठ के वो तीनों मेरी के घर की ओर रुख करते हैं। जैसे ही वो मेरी के घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि मेरी, सैम और जेन ने मिलकर पूरे घर के खिड़की और दरवाजों पर लकड़ियां लगा दी हैं, जिन्हें खोलने में उन्हें कुछ वक्त चाहिए था। इसलिए बाहर खड़े सदस्य ये तय करते हैं कि उतनी देर बाहर खड़ा रहना ठीक नहीं होगा और वो बगल में मौजूद मिसेस ग्रेगसन के घर चले जाते हैं। उन्हें वहां जाकर पता लगता है कि ग्रेगसन परिवार को भी बीवर्स ने अपना शिकार बना लिया था। सीन चेंज होता है और अब मेरी एक किताब पढ़ रही होती है जिसमें ये लिखा था कि बीवर्स टनल या सुरंग बनाने में माहिर होते हैं, जिसे पढ़ मेरी डर कर अपने बिस्तर पर लेट जाती है। दूसरी ओर स्मिथ बक के पैर को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन बक स्मिथ पर ही हमला कर देता है क्योंकि बक अब ज़ॉम्बी वेयर बन चुका है।
वो स्मिथ को बुरी तरह से काट लेता है। इतने में जोई स्मिथ की बंदूक उठाकर ऊपर के कमरे में चली जाती है जहां मिसेस ग्रेक्सन की लाश पड़ी होती है, लेकिन अब वो भी ज़ॉम्बीवेयर बन जाती है और जोई पर हमला करती है। जोई उन पर बंदूक चलाती है लेकिन बंदूक में गोली होती ही नहीं है। तब जोई वहां मौजूद खिड़की से कूद जाती है और बाहर गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में मेरी अपनी बिस्तर पर लेटी है और अचानक उसके कमरे में जेन आ जाती है और उसके बिस्तर पर चढ़ जाती है। पहले तो मेरी को ये लगता है कि शायद जेन मेरी को किस करने वाली है, लेकिन तभी जेन की उंगलियों के नाखून बहुत बड़े हो जाते हैं, उसकी पूंछ निकल आती है, उसके दांत बीवर जैसे बन जाते हैं, या फिर साधारण शब्दों में कहें तो वो भी ज़ॉम्बीवेयर ही बन जा रही है। मेरी उसे उसी कमरे में बंद कर बाहर भागती है, लेकिन उनके घर में बीवर सुरंग बनाकर घुस आते हैं। डर कर मेरी और सैम बाथरूम में जा छिपते हैं और तब मेरी सैम को अपने कपड़े निकालने को बोलती है ताकि वो ये देख सके कहीं बीवर ने उसको तो नहीं काट लिया। सैम ऐसा ही करता है और पता चलता है कि वो अब तक तो सुरक्षित ही है। अब सैम भी मेरी को वही चीज करने को कहता है। मेरी अपने कपड़े उतारना शुरू ही करती है कि वो दोनों ना शुरू कर देते हैं। इसी बीच एक बीवर के पीठ पर आग लग जाने के कारण उस पूरे घर में आग लग जाता है। सैम और मैरी को इसका आभास होता है, लेकिन तभी वहां जेन सुरंग बनाकर आ जाती है और सैम को खा जाती है। मैरी वहां से भाग निकलती है और दरवाजे के पास आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन दरवाजे पर तो लकड़ियां लगी हुई थी। इससे पहले कि मैरी दरवाजे पर लगी उन लकड़ियों को हटाने की कोशिश करती, जोई वहां गाड़ी लेकर आ जाती है। वो दोनों वहां से निकलने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी उनके रास्ते में बीवर्स आ जाते हैं, या फिर ज़ॉम्बीवर्स। लेकिन अपनी सूझबूझ के कारण गाड़ी में बैठी मैरी और जोई उन सभी ज़ॉम्बीवर्स से बचकर भाग निकलती है और उसी रास्ते पर आ जाती है जो बीवर्स ने पेड़ गिराकर ब्लॉक कर दिया था। वे दोनों लड़कियां अब पैदल चल रही होती हैं, तभी मैरी जोई पर गोली तान देती है। मैरी को यह लगता है कि जोई भी इन्फेक्टेड है, इस वजह से वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन वो खुद ही ज़ॉम्बीवेयर में तब्दील होने लगती है और इसी के लिए जोई मैरी का कुल्हाड़ी मारकर कत्ल कर देती है। इसके बाद जोई उसी रास्ते पर आगे बढ़ रही होती है और उसे सामने से एक गाड़ी आती दिखती है। वो खुश हो जाती है ये सोचकर कि अब आखिरकार उसे मदद मिल जाएगी। लेकिन ये क्या, वो गाड़ी को वही दो लड़के चला रहे होते हैं जिनकी वजह से गैस लीक हुई थी। इस बार भी गाड़ी चलाने वाले लड़के का ध्यान फोन पर होता है और पहले की तरह इस बार भी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इस बार उनकी गाड़ी किसी जानवर से नहीं बल्कि जोई से जा टकराती है और जोई की मौत हो जाती है। इसी के साथ मूवी का अंत होता है। आपको कैसी लगी ये फिल्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लौटेंगे एक और मजेदार मूवी के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि एक भी रोचक मूवी की कहानी आपसे मिस ना हो। नमस्कार।